जी हाँ, अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे वायरल तस्वीरों का पूरा सच। वायरल इन तस्वीरों के जरिए खुल गया है सच, और कुछ सूत्रों के आधार से मिली जानकारी की माने तो ऐसा कहना है कि सच में साक्षी मिश्रा के पति अजितेश ने पहले ही सगाई की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में साल 2016 में उनकी शादी तय हो गई थी। सगाई में वो काफी खुश भी थे, उनकी मर्जी से सगाई हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली एक युवती के साथ। हालांकि फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अजितेश ने शादी तोड़ दी। सगाई के बाद उन्होंने शादी तोड़ दी, शादी से पहले ही शादी तोड़कर सगाई का रिश्ता खत्म कर दिया। अपनी पहली मंगेतर के साथ जिस साक्षी मिश्रा के पति अजितेश को आप देख रहे हैं काफी खुश, वो अपनी शादी को लेकर काफी खुश थी। लेकिन फिर क्या हुआ जिसकी वजह से पहली मंगेतर के साथ उन्होंने शादी नहीं की, ये कि राज आज भी बना हुआ है जिसे लेकर अजितेश से भी कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है आने वाले समय में अजितेश और उनकी पहली मंगेतर से जुड़े राज साक्षी मिश्रा के सामने जुआ गए हैं। मीडिया के सामने अगर उनसे सवाल किया जाएगा तो इसका जवाब वो जरूर देंगे। खैर, साक्षी से प्यार में पड़े अजितेश का रिश्ता शादी के वक्त नहीं बल्कि शादी से पहले ही था। साक्षी के साथ शादी, भाग कर शादी करने वाली अजितेश मिश्रा ने साक्षी के साथ शादी और साथ फेरे का जब फैसला लिया तो इसमें दोनों की मर्जी थी। लेकिन दोनों का प्यार नया प्यार नहीं था, लंबे समय से ये दोनों एक दूसरे के डेट कर रहे थे और परिवार वालों से ये बात उन्होंने छुपा रखी थी। जब इस बात का अंदाजा लगा साक्षी मिश्रा को कि उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे, उन्होंने भाग कर शादी की, जिसके बाद एक वीडियो जारी कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उनके परिवार वालों से उन दोनों को खतरा है। खैर, बरेली के बिथरे विधायक राजेश मिश्रा, यानी कि बीजेपी के एमएलए की अगर बात की जाए तो राजनीति से उनका नाम बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनकी बेटी का ये बड़ा कदम उठाना और उनके बेटी का उन्हीं के खिलाफ हो जाना, परिवार वालों के खिलाफ हो जाना बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना है। इससे जुड़ी नई रिपोर्ट सामने आई और ये वायरल तस्वीरें सामने आई जिससे हम आपको रूबरू करा चुके हैं। बताते चले आपको, इसी के साथ साथ साक्षी मिश्रा और अजितेश ने शादी बीते 3 जुलाई को की थी और कुछ दिनों के अंदर ही दोनों की शादी को लेकर तमाम खबरें आ गई। दोनों ही अपनी शादी के बाद मीडिया के सबसे बड़े मंच पर बैठकर खुलेआम एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते नजर आए। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ये भी कहते नजर आए। साक्षी खुलेआम मीडिया के मंच पर रोती भी नजर आई, खूब रोई थी वो, और उसके रोने के पीछे का कारण अपने परिवार से दूर होना नहीं बल्कि परिवार वालों का व्यवहार था जिसके बारे में वो बात करती नजर आई थी, जिसका कहना ये था कि परिवार वालों ने उसे पढ़ने से रोका था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उन्हें ही बेहतर पता हो सकती है। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति ग्रुप।